दोस्तों एसएससी जीडी का कटअप 2024 का किस किस चीज़ पर निर्धारित होता है और कितना कटअप जाने वाला है। तो अगर बात करें एसएससी जीडी 2024 की, तो इसका कटअप जो है, पहली बात तो बता दूँ, स्टेट वाइज जाता है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गया कि स्टेट वाइज अलग अलग कटअप जाता है। दूसरी बात अगर बात करें तो एसएससी जीडी में आपका यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी जनरल कैटेगरी जितने भी कैटेगरी होते हैं सबका अलग अलग कटअप जाता है। तीसरी बात, जनरल एरिया, हर स्टेट में एक जनरल एरिया होता है, नक्सल एरिया होता है और बॉर्डर एरिया होता है। ठीक है, किसी किसी स्टेट में जनरल और नक्सल एरिया होता है और किसी किसी स्टेट में जनरल और बॉर्डर एरिया होता है। तो इस चीज़ पर आप लोगों का कटअप डिटरमाइन करता है और ये भी डिटरमाइन करता है कि किस स्टेट, मतलब किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है। मतलब मान लो कि जिस पोस्ट के लिए, यहाँ पर मान लेते हैं सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ और बीएसएफ को उठाते हैं। मान लो कि सीआरपीएफ में 100 पोस्ट है और बीएसएफ में 50 पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट आप देख रहे हो, तो अगर आप सीआरपीएफ में भरते हो तो यहाँ 100 पोस्ट है, तो यहाँ थोड़ा आपके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब उसमें भी आपका यहाँ पर कटअप की बात करें तो यहाँ पर देखो, ये जो जनरल एरिया है और नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया देख रहे हो, तो अगर नक्सल एरिया या बॉर्डर एरिया से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका यहाँ पर कटअप कम जाता है। ठीक है, कटअप लेस जाता है, लेकिन वही जनरल एरिया से कटअप ज़्यादा जाता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर, तो मैंने असम का कटअप बताया है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का कटअप एक वीडियो में बताया है और बहुत जल्द मैं स्टेट वाइज कटअप लेके आऊँगा। ठीक है, बहुत जल्द मैं स्टेट वाइज कटअप लेके आऊँगा सभी स्टेट्स का, जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स का, क्योंकि पिछले बार भी मैंने कटअप बताया था, आप मेरे चैनल पर जाके देख लो, तो वे एकदम सही हुआ था, उसके आसपास ही। जैसे मान लो मैंने 110 बताया था तो 111 या 112 आया था, एक दो नंबर आगे पीछे था, लेकिन पूरा सही था। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द हर स्टेट का कटअप लेके आने वाला हूँ।